नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, नवोदय विद्यालय एनवीएस की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। अच्छे खासे पदों की संख्या आई हुई है और छात्र लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर एलिजिबिलिटी में कन्फ्यूजन है, तो उसको आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए। तो मैंने सबको बोला था कि एक वीडियो बना के मैं क्लियर कर दूँगा, और आज के इस वीडियो में हम म्यूजिक विषय यानी कि संगीत विषय कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो छात्र नए आए हैं उनको बता दें कि सीपी स्मार्ट क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप इसको सर्च करके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इसका लिंक भी होगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम टीजीटी पीजीटी की क्लासेस चलाते हैं, एलटी ग्रेड की क्लासेस चलाते हैं, अन्य शिक्षक भर्ती की क्लासेस चलाते हैं। टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी 2021 में आई थी उसमें म्यूजिक विषय से हमारे यहाँ से म्यूजिक सब्जेक्ट से 12 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। दोस्तों, ये हमारा मोबाइल ऐप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीपी स्मार्ट क्लासेस में 2021 में ये सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और मैक्सिमम सिलेक्टेड कैंडिडेट म्यूजिक के हैं, और यहाँ पे म्यूजिक की क्लास भी चलती है, लाइव क्लास चलती है। तो जिन छात्रों को म्यूजिक के लिए हमारे एप्लीकेशन से जुड़ना है तो वो जुड़ सकते हैं, और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए 8329226960 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से NVS के म्यूजिक बैच के लिए अपनी एंट्री कर सकते हैं। व्हाट्सएप में लिखना है एंट्री म्यूजिक NVS और अपना नाम बताना है। दोस्तों, ये नवोदय के विद्यालय का जो है नोटिफिकेशन है, इसमें जो आप म्यूजिक की सीट देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगी सीट म्यूजिक की, सब मिला के 33 सीट आई हुई है, जिसमें से जो है 16 अनरिजर्व हैं, 3 EWS की हैं, OBC की 8 है, SC की 4 है, ST की 2 है, और इसी में से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी 2 सीटों पर विकलांग कैटेगरी कैंडिडेट के लिए है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आगे दिया गया है, यहाँ पे अभी हिंदी का मैथ का दिया गया है, और ये देखिए यहाँ पर दिया गया है ये। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको और भी चीज़ें बता दूँ, यहाँ पर पे लेवल 7 आपको मिलने वाला है, 44,900 से 142,400 की पे मैट्रिक्स आपको मिलेगी, और एज जो है आपकी 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। TGT UP का भी फॉर्म अभी भरा जा रहा है, तो जो छात्र किसी भी स्टेट के हों यूपी में फॉर्म भर सकते हैं, TGT UP का फॉर्म भर सकते हैं, और वहाँ पे एज क्राइटेरिया 35 साल नहीं है, वहाँ पे आपके चाहे जितनी एज हो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जो यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते हैं किसी भी स्टेट के हों, वो TGT UP में ज़रूर फॉर्म भर दें, और बाकी ये तो ऑल इंडिया लेवल का फॉर्म है, यहाँ पे तो कोई भी भर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इसके क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइव ईयर्स स्टडी इन म्यूजिक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 साल आपका म्यूजिक का कोर्स होना चाहिए, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। कुछ फ़ोन हमारे पास आए थे गुजरात के स्टूडेंट के, कुछ फ़ोन आए थे अदर स्टेट के भी, कि हमारे यहाँ पे जो कोर्स चलते हैं वो इस तरह के हैं और यूपी में जो कोर्स चलते हैं वो दूसरे हैं, तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई भी 5 साल का म्यूजिक का कोर्स किया है किसी भी इंस्टीट्यूट से किया है आपके स्टेट में, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं वहाँ से अगर वो रिकॉग्नाइज्ड है और वो कोर्स जो है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यूपी में हम बताएं आपको प्रभाकर कोर्स जो होता है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, विशारद वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो कि प्रयाग संगीत समिति के माध्यम से किया जाता है और वो अथोराइज इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, एक क्वालिफिकेशन तो ये हो गई, अगर ये आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास ये नहीं है वो आगे देखें। ए बैचलर डिग्री विद म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी,
अगर आपके पास 5 साल का कोर्स नहीं है, उसके बाद आपने कोई बीए किया है, बीए म्यूजिक में किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीए म्यूजिक में किए हुए बहुत सारे छात्र हैं जो अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे। यूपी में बीए म्यूजिक वाले अप्लाई नहीं कर सकते यूपी टीजीटी में, लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इन दोनों में से ये भी आपके पास नहीं है, ये भी आपके पास नहीं है, तो परेशान होने की बात नहीं है, आगे भी और कोर्सेज दिए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी विद वन ऑफ दी फॉलोइंग, हायर सेकेंडरी डिप्लोमा सीनियर सेकेंडरी डिप्लोमा अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। संगीत विशारद एग्जामिनेशन अगर आपने पास किया है, यहाँ पे देखिए लिखा है ग्रैंड हारवा महाविद्यालय मंडल बॉम्बे, यहाँ से अगर आपने किया है संगीत विशारद एग्जामिनेशन पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ से अगर आपने किया तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से अप्लाई कर सकते हैं जो कि खैरागढ़ एमपी में है, और संगीत प्रभाकर एग्जामिनेशन आपने प्रयाग संगीत समिति से किया है इलाहाबाद से, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आप आगे बढ़िए, आगे देखते हैं और लिखा हुआ है, यानी कि नीचे वाले लोग भी कर सकते हैं। अब अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ का डिग्री डिप्लोमा, वो यहाँ पे एलिजिबल हैं कि नहीं है तो देख लीजिए। यहाँ पे संगीत भूषण विद ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, आपने संगीत भूषण किया है चंडीगढ़ से, संगीत भूषण जिन्होंने चंडीगढ़ से किया है वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते इसके साथ ये चित्र उनके पास होनी चाहिए, इसके साथ साथ उन्होंने बीए बीएससी बीकॉम कुछ मतलब ग्रेजुएशन एक किया होना चाहिए, किसी भी विशेष ग्रेजुएशन किया हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, संगीत भूषण है उनके पास और ग्रेजुएशन किसी भी विषय से किया है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। संगीत नृत्य भूषण है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएशन हो, संगीत नृत्य भूषण है, संगीत भूषण है तो अप्लाई कर सकते हैं, संगीत विशारद है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, संगीत नृत्य विशारद है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है विद सीनियर इंटरमीडिएट पार्ट वन एग्जाम ऑफ 3 ईयर्स डिग्री कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको ये बताएं कि जो चंडीगढ़ के कोर्सेज हैं उन्होंने किया है, चंडीगढ़ वाले ध्यान दें यहाँ पे, उन्होंने कोई भी कोर्स वहाँ से किया है प्लस ग्रेजुएशन किया है 3 साल का तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यूपी की बात करेंगे तो प्रयाग संगीत समिति और भातखंडे से अगर आपने प्रभाकर वगैरह किया है विशारद किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ साथ। और यहाँ पे जो बॉम्बे का ये जो कोर्स मिलता है और एक एमपी का जो कोर्स है, इन दोनों कोर्स वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे दी गई है वो ये दिया गया है कि बी म्यूज जो किए हैं बच्चे, बीए म्यूजिक में किए हैं, बी म्यूज किए हुए हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डिजायरेबल लिखा हुआ है और यहाँ पे बीएड नहीं मांगा है, बीएड की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आपकी कि बीएड चाहिए वो दूर हो गई, टेट सीटेट चाहिए दूर हो गई, नहीं मांगा इसमें कुछ भी। तो इस तरह से आपकी सारी कन्फ्यूजन मेरे ख्याल से क्वालिफिकेशन वाली दूर हो गई हैं। और एनवीएस म्यूजिक के बच्चे जो यहाँ एनवीएस म्यूजिक का कोर्स करना चाहते हैं, इंट्री एनवीएस और अपना नाम लिख के मैसेज करना है, किस नंबर पे करना है 8299226960 पे व्हाट्सएप करना है, कॉल प्लीज़ मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए। अगर ज़रूरत होगी, आपकी कन्फ्यूजन दूर नहीं होगी व्हाट्सएप से, तब आपको कॉल खुद कर लिया जाएगा या आप कॉल उसके बाद कर सकते हैं। धन्यवाद।